क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच चल रहा है। टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अब शुरुआत तो भारत की काफी अच्छी रही, लेकिन उसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एक के बाद एक सरेंडर कर दिया। लंच से पहले ही टीम इंडिया ढेर हो गई। जी हां, केएल राहुल ने तो जो गुनाह किया वो माफी के लायक ही नहीं है। राहुल ने अपना विकेट गिफ्ट कर दिया और ऐसा बेहुदा शॉट खेला जिस पर गालियां पड़ रही है। और राहुल के इस सरेंडर ने भारतीय टीम पर प्रेशर ला दिया और इसीलिए तो अब केएल राहुल को ही टीम से बाहर करने की डिमांड होने लगी है। तो क्या हुआ लंच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में, सब कुछ आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो पहले टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। दोनों ओपनर्स शुभमन गिल और केएल राहुल ने ठीक ठाक शुरुआत दी और टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन शुभमन गिल अपना कॉन्फिडेंस खो बैठे, आउट हो गए। गलत शॉट खेलकर आउट हो गए और पहला विकेट गिरा भारत का 41 रन के स्कोर पर। अब दूसरा विकेट तो और भी ज्यादा हैरानी भरा रहा, जबकि केएल राहुल जो कि कप्तान है उन्होंने सरेंडर कर दिया। जी हां, 19वें ओवर की पहली बॉल पर राहुल ढेर हो गए। खालिद अहमद की बॉल में कुछ भी नहीं था, लेकिन राहुल ने इतना गंदा खराब शॉट खेला की बॉल उनके बैट से लगकर सीधे स्टंप्स में लगी, प्लेड ऑन बोल्ड हो गए। जी हाँ, ये बोल्ड या फिर विकेट नहीं था बल्कि गिफ्ट था केएल राहुल का, और सरेंडर कर दिया था राहुल ने। चलते बने थे, ढेर हो गए थे, और कप्तान केएल राहुल ने सेट होने के बाद अपना विकेट गिफ्ट किया था और भारत को भी बहुत बड़ा झटका यहाँ पर दिया था, क्योंकि राहुल के आउट होने का असर ये हुआ कि टीम इंडिया जबरदस्त प्रेशर में आ गई और कुछ ही देर बाद विराट कोहली भी चलते बने। जी हाँ, तेजुल की बेहतरीन बॉल पर विराट कोहली LBW आउट हो गए और 50 रन से पहले 48 रन पर 3 विकेट गिर गए। जी हाँ, लंच से पहले ही टीम इंडिया मुश्किल में आ गई। कहां तो 41 रन पर पहला विकेट गिरा और फिर अगले 7 रन पर 3 विकेट ढेर हो गए। अब कहां तो इस पिच पर 600 रन बनाने की बात हो रही थी, कहां कहा जा रहा था कि खिलाड़ी दोहरे शतक मारेंगे, और कहां कप्तान राहुल ने खराब खेल दिखाया, खराब अप्रोच दिखाई, और वहीं पर विराट कोहली भी ढेर हो गए। तो टीम इंडिया पूरी तरह से मुश्किल में फंस गए और इसीलिए तो इस राहुल को टीम से पूरी तरह बाहर होने की डिमांड करने लगी है। तो आपका इस मैच पर, भारत के इस खराब खेल पर, टीम इंडिया के सरेंडर पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी अपनी राय जरूर दें। वीडियो को शेयर भी करें। हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का नया व्लॉग आ गया है, उसे जरूर देखें, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।